Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And today I am going to discuss one of the most read and researched constructs in the field of psychology and educational psychology, that is intelligence and creativity. Okay, and the lecture will be in bilingual mode and must be useful for any sort of academic purpose. Okay, so first of all, हम लोग बात कर चुके हैं intelligence पे. मैंने जितना सारी theories, measurement, सारा intelligence पर आपसे बात की है. Creativity भी मैंने आपसे बात की है. Even brainstorming and reverse brainstorming, जो creativity inculcate करने के तरीके हो सकते हैं classroom में, उस पर भी मैंने आपसे discussion किया है. लेकिन ये दोनों टर्म है, ये जो दोनों कंस्ट्रक्ट है, वो आपस में एक दूसरे पर कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, उनमें क्या अंतर है, उनमें क्या सह संबंध है, इसके लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ. ओके, क्योंकि कभी कभी पूछते भी हैं कि हाउ इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो इसलिए. और डिफरेंस के साथ ही साथ मैं इसका इंटर रिलेशनशिप भी आपसे डिस्कस करूंगी. ओके, तो सबसे जो मुख्य डिफरेंस है क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में, इंटेलिजेंस क्या है कि हम बुद्धिमान हैं. बुद्धिमान कैसे हैं कि हमको कोई हमारे सामने प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको टैक्टफुली सॉल्व कर लेंगे, है ना. और क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी है कि हम कैसे प्रॉब्लम्स के नॉवेल सॉल्यूशंस ढूंढ लेते हैं. आउट ऑफ द बॉक्स हम सोच पाते हैं कि नहीं, हम क्या सबसे भिन्न सोच पाते हैं कि नहीं, है ना. तो ये क्रिएटिविटी है. तो ये हम लोग बेसिक जानते हैं. द मेन डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस इज दैट क्रिएटिविटी इज अबाउट न्यू कॉन्सेप्ट एंड क्रिएटिंग देम, व्हाइल इंटेलिजेंस इज अबाउट यूजिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज टू सॉल्व प्रॉब्लम. ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं. इंटेलिजेंस अलाउज फॉर मोर एफिशियंट एंड इफेक्टिव वेज ऑफ डूइंग थिंग्स दैट आर यूजुअली वेल अंडरस्टूड, वेयर एज क्रिएटिविटी यूजेस कंप्लीटली न्यू वेज ऑफ थिंकिंग about something and is much more associated with visionary ways forward. मतलब कह रहे हैं कि जो बुद्धि है वो हमको अनुमति देती है, मतलब बुद्धि का लेना देना किससे है कि हम efficient तरीके से, प्रभावपूर्ण तरीके से चीजों को कर पाते हैं, जबकि creativity क्या है? Completely new ways of thinking about something. मतलब किसी को new ways of thinking about something यानी किसी चीज के बारे में नए तरीके से सोचना, completely नए तरीके से सोचना, and is much more associated with visionary ways forward. कहते हैं ना, ये वो बहुत visionary है, मतलब वो बहुत आगे की सोच रखता है. इस तरीके के लोग creative है. फिर अनदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इज द गोल एंड स्कोप ऑफ थिंकिंग आउटकम्स. ये सबसे ज्यादा जरूरी है हम लोगों के लिए अगर हम साइकोलॉजी को जानते हैं, कि जो मुख्य अंतर इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में है वो थिंकिंग आउटकम के बारे में है, कि गोल क्या है और स्कोप क्या है थिंकिंग आउटकम का इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी को लेके. तो वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ क्रिएटिविटी इज डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि क्रिएटिविटी का हॉलमार्क क्रिएटिविटी का हॉलमार्क या क्रिएटिविटी की कैरेक्टरिस्टिक फीचर डाइवर्जेंट थिंकिंग है. डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब कि कैसे आप एक प्रॉब्लम के एक से अधिक सॉल्यूशंस बता सकते हैं, इन्यूमरस सॉल्यूशन बता सकते हैं. डेवलपिंग मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड न्यू आइडियाज, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी इसका तरीका हो सकता है. इस तरीके की बातें डाइवर्जेंट थिंकिंग में आती हैं, जबकि इंटेलिजेंस ऑन द अदर हैंड ऑफन फोकसेस ऑन फाइंडिंग ए सिंगल बेस्ट और इवन दी ओनली सोल्यूशन टू ए गिवन प्रॉब्लम, जबकि इंटेलिजेंस जो है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग पे बेस्ड है, यानी कि प्रॉब्लम का वो बताता है कि एक और एक जो बेस्ट सोल्यूशन है वो बताना इंटेलिजेंस है, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग है. और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है क्रिएटिविटी के लिए, कि हम कैसे एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सोल्यूशन बता सकते हैं एक से अधिक, है ना. ये बेसिक अंतर है. इन प्रोसेस नोन एज कन्वर्जेंट थिंकिंग. तो इंटेलिजेंस कन्वर्जेंट थिंकिंग पे बेस्ड है और क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट थिंकिंग पर बेस्ड है. और क्या दिक्कत है, मतलब कैसे अंतर है, हम ये देखें कि कैसे मेजर कर रहे हैं इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी को. तो इंटेलिजेंस इज मोर ऑब्जेक्टिव देन क्रिएटिविटी एंड कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अदर पीपल. हाउएवर द क्रिएटिव आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी आर डिफिकल्ट टू मेजर बिकॉज द प्रोसेस इज ऑफन सब्जेक्टिव. देखिए, एक सोल्यूशन निकलना है, एक सोल्यूशन बताना है, तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया ना, कि मतलब कोई भी कहेगा कि हाँ ये बढ़िया, ये उसका सोल्यूशन, सही सोल्यूशन. लेकिन क्रिएटिविटी तो हम कह रहे हैं कि आप अलग ढूंढिए, अलग ढूंढिए, तो मतलब कौन सी चीज है जिसको आप कहेंगे कि ये सबसे अलग है. ये तो सब्जेक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व हो गई. इसका मतलब कि क्रिएटिविटी को मेजर करना मुश्किल है, जबकि इंटेलिजेंस को इजीली आप मेजर कर सकते हैं.
फिर उसके अलावा क्या ये खास अंतर है दोनों में कि इन इंटेलिजेंस टेस्टिंग द स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ द कॉग्निटिव बिहेवियर इज एम्फसाइज्ड, यानी कि जब आपसे बुद्धिमत्ता का परीक्षण हम आप पर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आप कितनी जल्दी कर रहे हैं उसको, कितना शुद्धता के साथ कर रहे हैं, कितना एक्यूरेट है। जबकि क्रिएटिव टेस्ट में क्या नापना है, कितना नोवेल है, कितना नया है, कितना विविधतापूर्ण है, कितना उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, कितना उसमें मौलिकता है, इसको हम वेटेज देते हैं। तो यहाँ पे आपसे ये नहीं कहा जाए कि आप तुरंत ऐसा सोल्यूशन बता दीजिए जो किसी और के पास नहीं है, सॉरी, हम आपसे कहेंगे कि आप समय लीजिए, सोचिए, है ना, लेकिन वो चीज बताइए जो किसी और ने नहीं बताई, एकदम अलग, एकदम मौलिक। लेकिन इंटेलिजेंस टेस्टिंग में आपसे गति की अपेक्षा है, आपसे शुद्धता की अपेक्षा है कि आप जल्दी भी करेंगे, सही भी करेंगे। फिर इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट हाईली क्रिएटिव पीपल यूजुअली पजेस द इंटेलिजेंस टू ए हाई डिग्री, बट इट इज नॉट एसेंशियल फॉर एन इंटेलिजेंट पर्सन टू बी क्रिएटिव। मतलब समझ में आया कि इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट हाईली क्रिएटिव पीपल यूजुअली पजेस द इंटेलिजेंस टू ए हाई डिग्री, मतलब कि जो बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो एक इंटेलिजेंट पर्सन होगा वो क्रिएटिव भी होगा। मतलब कि क्रिएटिव अगर है इसका मतलब कि हम बुद्धिमान हैं तभी क्रिएटिव है, लेकिन अगर हम बुद्धिमान हैं इसका मतलब कि जरूरी नहीं है कि हम क्रिएटिव हों या ना हों, ठीक है, ये एक अंतर है। वन में पजेस विद हाई इंटेलिजेंस विदाउट हैविंग क्रिएटिव एबिलिटीज, कोई बहुत बुद्धिमान हो सकता है और ये संभव है कि वो बिल्कुल क्रिएटिव ना हो। An adequate level of intelligence is a necessary condition for being creative. यानी कि इसका सार क्या है, जिस्ट क्या निकल के आया कि हमको अगर क्रिएटिव होना है तो इसका मतलब कि एक पर्याप्त बुद्धि का स्तर हमारे पास होना चाहिए। A mentally retarded person cannot be expected to be creative. एक mentally retarded person जो मानसिक रूप से retarded व्यक्ति है, individual है, उससे हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो रचनात्मक होगा, ठीक है। हम बात करते हैं इंटर रिलेशनशिप की। देखिए हम लोगों ने साइकोलॉजी, मतलब हम लोग पढ़ते हैं थेरीज, पढ़ते हैं इंटेलिजेंस, पढ़ गए क्रिएटिविटी, पढ़ गए, पर जनरली जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि उनमें इंटर रिलेशनशिप ढूंढ सके। हमारे पास खुद इतना प्रेशर होता है, हमको इतना इंटेलिजेंस याद करना है, इतना क्रिएटिविटी याद करना है, तो बस हम उसको याद करते जाते हैं और वो कंपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, उनको आपस में एक दूसरे पर जक्स्टापोज करके हम नहीं देख पाते। हमारे पास शायद इतना समय नहीं होता है और ना ही हमारा एजुकेशन सिस्टम हमसे इस तरीके के सवाल पूछता है, तो इसलिए हमारे दिमाग को भी आदि नहीं होता है उस तरीके का, हमको कोई उसमें एनालिसिस या इंटर रिलेशनशिप ढूंढने की। सीधा सवाल पूछा जाता है, हम सीधे सवालों के सीधे उत्तर देने के लिए अभ्यस्त हो जाते हैं शिक्षा व्यवस्था में। देखिए लेकिन अब आप इंटर रिलेशनशिप जब आप इसका देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये सब हम पहले से जानते थे लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया था। सॉरी, स्टर्नबर्ग, हम लोगों ने पढ़ा है स्टर्नबर्ग को, ट्रायर्की थ्योरी इंटेलिजेंस में, ये जब अपना स्टडी दे रहे थे, ये जब अपनी थ्योरी बता रहे थे, तो इन्होंने बताया कि 5 पॉसिबल रिलेशनशिप क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच में हो सकता है। सोचिए हम लोगों ने क्या कभी सोचा, नहीं सोचा। ये कह रहे हैं कि या तो क्रिएटिविटी एज अ सबसेट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि इंटेलिजेंस जो है वो अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर क्रिएटिविटी कहीं आता है, उसका सबसेट है, उससे छोटा है, उससे कमतर है, या इंटेलिजेंस एज ए सबसेट ऑफ क्रिएटिविटी, या क्रिएटिविटी अम्ब्रेला टर्म है, वाइडर टर्म है, ब्रॉडर आस्पेक्ट है उसका, और इंटेलिजेंस उसका कहीं एक हिस्सा है, या क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस एज ओवरलैपिंग सेट्स, या रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, या क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस एज डिसजॉइंट सेट्स, या क्रिएटिविटी और बुद्धिमत्ता जो है आपस में एक दूसरे से डिसजॉइंट करते हैं। लास्ट की जो 2 कैटेगरीज हैं, यानी कि क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस एज ओवरलैपिंग एंड क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस एज डिसजॉइंट सेट, ये कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा रेयर है। इस तरह से तो 4 ही पॉसिबल सेट हुए, है ना। फिर तो क्रिएटिविटी एज ए सबसेट ऑफ इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा कॉमन है ना। कैसे, हम लोगों ने गार्डनर पढ़ा है, गार्डनर की मल्टीपल थ्योरी पढ़ी है, ये कह रहे हैं कि गार्डनर हैज यूज्ड मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी टू स्टडी क्रिएटिविटी, यानी कि क्रिएटिविटी का अध्ययन करने के लिए गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का इस्तेमाल किया। इम्प्लिसिटली सजेस्टिंग दैट क्रिएटिविटी इज अ सबसेट ऑफ MI थ्योरी, यानी इन्होंने कहा कि जो रचनात्मकता है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का सबसेट है। उसी तरह से गार्डनर अपनी जो एक बहुत बढ़िया बुक लिखते हैं क्रिएटिंग माइंड, उसमें ये क्या कहते हैं, यूज्ड केस स्टडीज ऑफ एमिनेंट क्रिएटर्स आर्ग्यू दैट पीपल कैन एक्सेल क्रिएटिविटी
creatively as a function of embodying different intelligences. देखिए इन्होंने अपनी बुक क्रिएटिंग माइंड्स जो लिखी है उसमें इन्होंने बहुत सारे महान जो व्यक्ति हुए हैं, क्रिएटर हुए हैं, उनकी केस स्टडी की और ये पाया कि वो सब क्रिएटिव हैं और किसी ना किसी प्रकार की बुद्धि रखते हैं, क्योंकि मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की इन्होंने. जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए पिकासो को इन्होंने कहा कि उसके पास स्पेशियल इंटेलिजेंस है और वो क्रिएटिव है. प्रायड को कहा उन्होंने कि उसके पास इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है और वो क्रिएटिव है. स्ट्राविंस्की को कहा उन्होंने कि उसके पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस है और वो क्रिएटिव है. आइंस्टीन के पास लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है एंड वो भी क्रिएटिव है. टीएस इलियट के पास लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, वो भी क्रिएटिव है. और मार्था ग्रहम के पास बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, वो भी क्रिएटिव है. और गांधी के पास इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है और वो भी क्रिएटिव है. देखिए कितना इन्होंने स्टडी करके हमको बताया, क्योंकि ये सारा इन्होंने बताया है कि स्पेशियल इंटेलिजेंस होता है, म्यूजिकल होता है, लॉजिकल मैथमेटिकल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, लिंग्विस्टिक, बॉडीली काइनेस्थेटिक, ये बात ये कर चुके हैं. फिर उन्होंने कहा कि ये सब क्रिएटिव है, यानी कि इन्होंने अपनी थ्योरी से हमको क्या प्रूव करके दिया कि क्रिएटिविटी जो है वो इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट है, यानी इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है क्रिएटिविटी. ओके, फिर आगे देखते हैं. Another theory that includes creativity as a core component is Sternberg's theory of successful intelligence. Sternberg ने जो अपनी theory दी intelligence की उसको successful intelligence के नाम से भी जानते हैं और उन्होंने तीन sub theories दी थी. अगर आपको याद होगा फिर से पढ़िए Sternberg वाला video, फिर से देखिए. इन्होंने कहा है कि componential sub theory होती है, experiential sub theory है और contextual sub theory. आप उसको recall करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी का मतलब क्या है, विच रिलेट्स इंटेलिजेंस टू द इंटरनल वर्ल्ड ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि हमारे अंदर इंटरनल वर्ल्ड से जो लेना देना जिस इंटेलिजेंस का है वो कॉम्पोनेंशियल हो गई. एक्सपीरियंशियल का क्या है, विच रिलेट्स इंटेलिजेंस टू बोथ द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड ऑफ द इंडिविजुअल, यानी हमारे आंतरिक और बाह्य संसार दोनों से जिसका लेना देना है वो एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी है. और जो कंटेक्चुअल सब थ्योरी है विच रिलेट्स इंटेलिजेंस टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड ऑफ द इंडिविजुअल, यानी एक बाहरी संसार एक आंतरिक संसार और एक बाहरी और आंतरिक संसार दोनों. जो एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी की ये बात करते हैं वो क्रिएटिविटी से लेना देना डायरेक्टली रिलेटेड है क्रिएटिविटी से. तो इसका मतलब स्टर्नबर्ग की थ्योरी भी क्या प्रूफ कर रही है कि क्रिएटिविटी एज ए सबसेट ऑफ इंटेलिजेंस. उसी तरह से कैटल हॉर्न कैरोल की जो CHC मॉडल है वो भी हमको कहता है कि क्रिएटिविटी एज ए सबसेट ऑफ इंटेलिजेंस. ठीक है, अच्छा. और अगर हम बात करें कि इंटेलिजेंस एज ए सबसेट ऑफ क्रिएटिविटी तो कौन लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि क्रिएटिविटी का सबसेट इंटेलिजेंस है. इन कंट्रास्ट अदर रिसर्चर्स हैव हाइपोथेसाइज्ड दैट इंटेलिजेंस इज अ पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी ऑल्दो दिस अप्रोच हैव रिसीव्ड स्कैंट अटेंशन. है ना, Among intelligence researchers, systems models of creativity. देखिए creativity के बहुत सारे models हैं, तो जिसमें system model of creativity ये कहता है कि to emphasize the contribution of intelligence and related cognitive processes as one factor among many that influence the development of creativity. ये कह रहे हैं कि अगर हमको रचनात्मकता का विकास करना है तो intelligence उसमें contribute करती है. इसलिए ये कह रहे हैं कि creativity का intelligence जो है वो creativity का subset है. उसी तरह से स्टर्नबर्ग एंड लुबार्ट की एक इन्वेस्टमेंट थ्योरी आई, उसने कहा कि 6 मेन एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट टू सक्सेसफुल क्रिएटिविटी. वो कह रहे हैं कि अगर हमको सक्सेसफुली क्रिएटिव बनना है तो 6 जो है उसके मुख्य तत्व हैं. कौन कौन से, इंटेलिजेंस, नॉलेज, थिंकिंग स्टाइल्स, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन एंड एनवायरमेंट. तो इंटेलिजेंस कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है क्रिएटिविटी को, तो इंटेलिजेंस क्या हो गया, सबसेट हो गया क्रिएटिविटी. ओवरलैपिंग सेट्स की अगर बात करें तो स्टर्नबर्ग्स थर्ड सेट कंसेप्चुलाइजेस इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी एज ओवरलैपिंग येट डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट. अच्छा, जो लास्ट वाला है ना, ओ क्या नाम है, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस एज डिसजॉइंट सेट, उसी का एक पेयर बन जाएगा. क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस डिसजॉइंट है या इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी डिसजॉइंट है, तो वो रेयर है इसलिए वो डिस्कस नहीं किया गया. डिस्कस सिर्फ किया गया है क्रिएटिविटी एज ए सबसेट ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस एज ए सबसेट ऑफ क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस आर ओवरलैपिंग सेट्स. इसकी भी बात कर लेते हैं. ये कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी ओवरलैपिंग है लेकिन डिस्टिंक्ट है, एक दूसरे से अलग है, विशिष्ट है. रेंजुली का कंसेप्ट आया, उन्होंने कहा 3-ring कंसेप्शन ऑफ गिफ्टेडनेस. मतलब इन्होंने गिफ्टेडनेस की थ्योरी दी, उसको 3-ring कंसेप्शन का नाम देते हुए कहा कि गिफ्टेडनेस इम्प्लिसिटली कास्ट एज हाई लेवल क्रिएटिव प्रोडक्शन. ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो गिफ्टेड है इंडिविजुअल उसको हम कहेंगे कि वो हाईली क्रिएटिव है. इज कॉज्ड बाय, किस वजह से किस वजह से वो क्रिएटिव गिफ्टेडनेस उसमें आती है,
ओवरलैप ऑफ, सॉरी खांसी आ रही, ओवरलैप ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, क्रिएटिविटी एंड टास्क कमिटमेंट। यानी कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होना चाहिए, क्रिएटिविटी होगा और टास्क को लेकर कमिटमेंट होगा। ये सब जब ओवरलैप करेंगे तो हम गिफ्टेड हो जाएंगे, या गिफ्टेड लोगों में ये ओवरलैपिंग होती है, हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, क्रिएटिविटी एंड टास्क कमिटमेंट। फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस आर डिस्टिंक्ट कंस्ट्रक्ट बट ओवरलैप कंसिडरेबली अंडर द राइट कंडीशंस। वो कह रहे हैं कि इस वजह से अगर हम इस तरह से देखेंगे तो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी क्या एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है, अलग है, विशिष्ट है, लेकिन वो ओवरलैप तो करते हैं। इन ए सिमिलर वेन, सिमिलर तरीके से, इसी दशा में, इसी दिशा में, द कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग, हम लोगों ने पास थेरी भी पढ़ी है ना, नागलियेरी एंड कॉफमैन की, 2001 में आई है, लेटेस्ट थेरी है इंटेलिजेंस पे, आप इसको भी दोबारा सुन सकते हैं कि अगर भूल गए होंगे तो। इसमें जब ये पास थेरी की बात करते हैं उसमें भी ये कहते हैं कि क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस इज रिलेटेड बट डिस्टिंक्ट इन देयर डेफिनेशन ऑफ क्रिएटिविटी। वो कह रहे हैं कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस संबंधित है एक दूसरे से, लेकिन तब भी वो डिस्टिंक्ट है। द इंटरेक्शन अमंग एप्टीट्यूड, प्रोसेस एंड एनवायरमेंट बाई विच एन इंडिविजुअल और ग्रुप प्रोड्यूसेस अ परसेप्टिबल प्रोडक्ट दैट इज बोथ नोवेल एंड यूजफुल एज डिफाइंड विद इन ए सोशल कॉन्टेक्स्ट। ये कह रहे हैं कि क्रिएटिविटी को हम कहेंगे कि इंटरेक्शन हो रहा है किसके किसके बीच में, हमारा एप्टीट्यूड, हमारे अंदर जो प्रोसेसिंग चल रही है, हमको जैसा एनवायरनमेंट मिला है वो एक हमको एक ऐसी दशा में लाके रखते हैं जिससे कि हम कुछ ऐसा बना सकें जो बिल्कुल नया भी हो और समाज उपयोगी भी हो किसी सामाजिक संदर्भ में। ओके तो अगर हम कंक्लूड करना चाहें इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी को तो हम क्या कहेंगे कि threshold hypothesis states that high IQ does not necessarily indicate high creativity. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो बहुत बुद्धिमान है वो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो बहुत रचनात्मक हो। Studies have proven that above a certain level, intelligence does not really impact creativity. मतलब हमको studies ने, researchers ने ये निकाल के दिया है, proof किया है कि एक निश्चित लेवल के बाद, मतलब कह रहे हैं ना कि एक एडिक्वेट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड फॉर बीइंग क्रिएटिव, तो कह रहे हैं कि एक अबव अ सर्टेन लेवल, मतलब उस एडिक्वेट लेवल से अबव जब हम चले जाते हैं तो बुद्धि जो है वो रचनात्मकता को इम्पैक्ट नहीं करती है। द फाइंडिंग्स प्रूव दैट देयर इज अ मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ इंटेलिजेंस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर हाई क्रिएटिविटी। वो कह रहे हैं कि मिनिमम थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड है बस, बट आफ्टर दैट पॉइंट इट इज अप टू द इंडिविजुअल टू कंटिन्यू टू प्रैक्टिस, लर्न एंड फर्दर डेवलप स्किल्स। यानी कि हमको क्रिएटिव होना है तो हमको बुद्धिमान तो होना है लेकिन एक मिनिमम लेवल का, और उसके बाद ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कैसे चीजों को सीखते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो वो डिपेंड करेगा, वो इम्पैक्ट करेगा कि हम क्रिएटिव होंगे कि नहीं। क्रिएटिविटी के लिए बस एक मिनिमम लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड, है ना। Thresholds theory suggests intelligence is a necessary but not a sufficient condition of creativity. मतलब कि creative होने के लिए intelligence आवश्यक तो है पर वही एक sufficient condition नहीं है, मतलब और चीजें भी required हैं। Interference hypothesis क्या कहती है? That very high levels of intelligence may interfere with creativity. वो कह रहे हैं कि बहुत अगर high level का आपके पास intelligence है तो वो creativity को hamper भी करता है। कैसे? देखिए ना भाई, क्रिएटिविटी पे किस पे डिपेंड कर रही है? डाइवर्जेंट थिंकिंग पे। इंटेलिजेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? कन्वर्जेंट थिंकिंग पे। तो जब आप बहुत ज्यादा कन्वर्जेंट थिंकिंग आपके पास होगी तो डाइवर्जेंट थिंकिंग तो अपने आप खत्म हो जाएगी ना। दोनों थिंकिंग का होना बहुत मुश्किल है कि कन्वर्ज, हम बहुत एक बेस्ट सोल्यूशन भी ढूंढ रहे हैं, मल्टीपल सोल्यूशन भी ढूंढ रहे हैं, इसलिए डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए एक मिनिमम लेवल ऑफ कन्वर्जेंट थिंकिंग वो कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी के लिए मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड है, उसके बाद इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी को, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी को हैम्पर कर सकता है, पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी जो सबसे ज्यादा जिन पर काम हुआ है, जो सबसे ज्यादा रोचक है, जो बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मेंबर ऑफ एकेडमिक फ्रेटर्निटी, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, हम अपने बच्चों में देखते हैं इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, पढ़ना पढ़ाना सिखाना, इनकलकेट करना, तो ये अब आपको और क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो। ओके, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। ओके, डन फ्रॉम माई साइड।